वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, सुबह के हो गए 5:30 और भाई हम निकलने के लिए तैयार है संडे राइड पे। वैसे संडे राइड की कई बातें जो है मैं वो बाद में बताऊंगा जब बाइक स्टार्ट करके चलाने स्टार्ट करूंगा, उसको राइड करना स्टार्ट करूंगा तब बताऊंगा। सो गाइस, आज जा रहे हैं हम नोएडा एडवेंचर पार्क और उस जगह का नाम है क्या नाम है खेत कैंप। तो भाई खेत कैंप के नाम से कोई जगह है, एडवेंचर पार्क है, तो भाई हम वहाँ जा रहे हैं। तो हमारा आज ग्रुप जो है वो तैयार है, तो भाई चलते हैं, अभी निकलना है हमें जल्दी से पड़ेगा क्योंकि भाई हमें हो रहा है बहुत ज़्यादा लेट। तो बाकी बातें रास्ते में चलते हुए करते हैं। बाकी हमारा ये हेलमेट्स वगैरह ये सब तैयार है और ये अपना राइडिंग जैकेट वगैरह बैग वैग सब कुछ। और आज अपनी बाइक के ऊपर गाइस हमने लगाई है एक स्टिक, और स्टिक लगाने के बाद भाई आज उसका पीछे का जो है ना हम पूरा का पूरा यहाँ पे जो हमारा 360 लग जाएगा, और 360 लगने के बाद भाई पीछे की जो है ना चल बहुत ही बेहतरीन आने वाली है। तो भाई निकलते हैं पहले हम अपने ग्रुप के पास, चलो भाई लेट्स गो। सो गाइस, मैं हो गया हूँ रेडी, बिल्कुल तैयार पूरी तरीके से। तो भाई अपनी बाइक भी तैयार है और ये हमने कर दी इसको ऑन। तो आयान मेरे साथ जा ही रहा है जैसे कि वो हमेशा से जाते ही है। तो पूरा मैंने अपना सेटअप ले लिया है, हर तरीके से सेफ्टी गार्ड वगैरह सब पहन लिए हैं। तो भाई स्टार्ट तो मैंने कर ही नहीं है, पता नहीं कितनी रीडिंग है, लेकिन ये है कि हाँ इतना पेट्रोल तो है इसके अंदर तो हमारा आना जाना हो जाएगा। बाकी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो गाइस हम बीच में से ले लेंगे पेट्रोल। तो अभी निकलते हैं, स्टार्ट करते हैं बाइक को, बंद करो ओके। तो स्टार्ट गाइस हमने कर दिए, जाएंगे इधर शास्त्री पार्क की तरफ से क्योंकि वहीं से हमें इजी भी पड़ेगा। एक बार स्टैंड देख लिया है तो भाई बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सुबह के टाइम गए तो ऐसा लगता है जैसे बाइक बहुत ज़्यादा शोर कर रही है, और अभी तो भाई पूरी रात ही हो रही है। तो थोड़ा आगे को निकल जाते हैं, उसके बाद गए बात करते हैं। तो अभी तो लोग बाग जो है बाइकों पर अपना दूध दही लिख, और सुबह सुबह के टाइम जो लोग जो जो काम करते हैं वो सारे काम कर रहे हैं। रात गाइस हमने बाइक वगैरह धो तो ली थी, काफी अच्छा अपना एक्सपीरियंस रहा है। अब तो बाइक जो है जल्दी धुल जाती है ऐसा लगता है, नहीं यार पहले बहुत देर लगती थी, और धोते धोते ना भाई पता चल जाता है कि कितनी देर में धुलेगी। बहरहाल अभी बंद करता हूँ। तो गाइस आ गए हम शास्त्री पार्क वाले रोड पे, और हमारे सर के ऊपर ये बना हुआ है फ्लाई ओवर। तो भाई इस रोड को हम पूरा क्रॉस कर लेंगे तो अपने बंदे जितने भी हैं वो वहीं पर ही अग्रवाल का वहाँ पे हमें पॉइंट दिया गया है कि वहाँ पहुँच जाना। तो देखते हैं कितने बंदे हैं, क्योंकि हमने पूछा था कितने बंदे जाएंगे तो भाई हमारे एडमिन ने बताया था, जिसका नाम तोमर है आज, तो तोमर ने हमें बताया था कि भैया 40 बंदे के आसपास तो हैं। अब देखते हैं 40 में से आएंगे कितने, फिलहाल एक तो हम हैं, बाकी 39 और देखते हैं। ओके, तो भाई हमारा पॉइंट आ गया है, तो ज़रा देखता हूँ मैं कहाँ है, अभी बात करता हूँ भाई इसमें। अच्छा अच्छा हो रहे चलो हमारे ओहो क्या हाल है भाई, बढ़िया। और बढ़िया और बढ़िया। अब भाई फुल एनर्जी के साथ आज तो हाँ नहीं ले नहीं आर नहीं नहीं है अपना, लेकिन मंदी आवाज नहीं है यार। तो भाई अभी यहाँ पे बंदे आने थे 40, और अभी बंदे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं
कितने 5 5 का 6 भाई के हो गए टोटल मिला के हमारी समेत। चलो उतरता हूँ भाई, मैंने सोचा था यहाँ पे कट करूँगा कैमरे को, लेकिन कट मुझे लग नहीं रहा हो पाएगा। तो भाई राइडर लोग सारे के सारे इकट्ठे हो गए हैं, अपना एक ये खड़े हैं भाई, और नाम तो मैं ज़्यादातर लोगों को जानता भी नहीं हूँ, बाकी जो रेगुलर मिलते हैं भाई उनके नाम ही जानता हूँ। तो काफ़ी बढ़िया है, और भाई जी बढ़िया और बेहतरीन भाई साहब, और तोमर जी और बढ़िया भाई। तो भाई सारे के सारे हो गए रेडी, तो भाई ये देखो सारे के सारे रेडी हो गए, सब तैयार हैं। तो भाई चलते हैं, इतनी सारी बाइक है हमारी, बाकी मिलेंगे लोग हिंडन पे। तो भाई चलते हैं, लेट्स गो, वेरी गुड वेरी गुड। कितने में समझा नहीं, पहले वो रहेगा नीचे R15 वाले भाई को कर देते, कोई नहीं यही नहीं साथ में ही है, सबकी लाइटें जल रही हैं। चलो साथ साथ चलेंगे हम दोनों, तो बिस्मिल्लाह अकबर। तो भाई जिस रास्ते से आए थे दोबारा उस रास्ते की तरफ ही हम जाने के लिए तैयार हैं। तो भाई निकल चुके हैं हम, तो भाई राइडरों को खुजली हो गई है भागने की, बस आई हो अच्छे से दिन कट जाए, किसी के साथ कोई भी सीन ना हो किसी भी तरीके का, ना छोटा ना बड़ा। तो काफी बढ़िया है भाई, काफी बढ़िया है, बेटर फीलिंग आने लगती है। मैं तो सुबह सुबह उठ जाओ ना यार तो बहुत दिक्कत आती है, लेकिन ये कि जब राइडर मिल जाते हैं चलने लगते हैं। चलो देखो जी यहाँ पे कितनी बढ़िया लाइटिंग हुई हुई है, ऊपर फ्लाईओवर भाई, ये वही फ्लाईओवर है जो यहाँ से जा रहा है देहरादून, स्मूथ चल रहे हैं बिल्कुल। तो भाई आए सिलमपुर के पेट्रोल पंप पे, और ये भाई अपने बाइकर चूहो की तरह भाग रहे हैं, और ये सारे के सारे जो है पेट्रोल डलवा रहे हैं। अबे सब डलवा लो आज, सब पेट्रोल डलवा लो, फ्री नहीं है भाई, पैसे देने पड़ते हैं, डलवा लो ना। वैसे अपने एरिया का खाता चल रहा है मेरा, भाई सिलमपुर से अब निकल रहे हैं, तकरीबन 6 तो बज ही गए, सारे राइडर तैयार, ओके कम ऑन चलो। ये जो फैजाज की जो दो लाइटें जल रही है ना, ये है शिवम की बाइक
ये आगे कम देखता है और पीछे आगे देखता है। देखो अभी नोट करा दूँ, अभी सीधे चल रहा है। अब देखो फिर पीछे देखने वाला है थोड़ी बहुत देर में। ये देखो फिर पीछे देखा इसने, ये पीछे बहुत देखता है बंदा। नहीं ये कि भाई अपने ग्रुप के बंदों को देखता है। गाइस निकलते हैं यहाँ से जहाँ पे हमने ब्रेक लिया है। कौन हम भाई आ तो गए हैं, अभी तो लग तो बस बाइक चला रहे हैं, कोई खास मजा तो आया नहीं है। तो मजा तो जब ही आएगा जब हम शायद वहाँ पे पहुँच जाएं, लेकिन मुझे पता नहीं रहता कभी भी कि हम जा कहाँ रहे हैं। हम आज इन्होंने बताया कोई खेत नाम से जगह है, खेत पार्क, तो भाई वहाँ जा रहे हैं। और देखो यहाँ पे भी हमारे राइडर कुछ खड़े हुए हैं, वो मिलेंगे हमें, तो पहले उनको ले लें। अब कितने लोग हैं ये नहीं पता मुझे, 40 लोग बताया गया। देखो 40 राइडर है और मेरे को हर इस बात का यकीन तो पहले ही था कि 40 तो गिनती के 40 हो सकते हैं, लेकिन 40 के 40 आ जाए ये बड़ी बात है, तो वो नहीं आएंगे। जाना है हमें नोएडा और इस टाइम हम बढ़ रहे हैं मेरठ की तरफ। कोई बात नहीं, हम आगे बंदों को देखो, उसके बाद ही शायद निकला जाएगा। सो गाइस यहीं पर ही है बंदे, चलो दिन की तलाश ही आई, वो लोग तो मिली है ना। बहरहाल अच्छा है, सो गाइस सारे के सारे राइडर देखो ये खड़े हुए हैं अपने, तो NS 160 और जी अपना और भैया बढ़िया ये वाली है। हाँ भाई वो तो मॉडिफाई तो होती है ही। कामयाब ना बचा किसी का खौफ, अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन अब।